जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हुमा यूनस के घर पे जो 14 साल बच्ची एक साल पहले लापता हुई थी, आज उसके वालदैन के साथ हम खड़े हैं। यहाँ तमाम सियासी, समाजी, मजहबी लोग खड़े हैं, हमारे पास्टर साहबान भी हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह हमने आरजू बेटी के लिए आवाज़ उठाई, हुमा यूनस के लिए भी आवाज़ उठाएँ और उसको बाजियाब कराएँ। और मेरी तमाम मसीही कौम से जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहती है, इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं। इस माँ ने अपने बयान में जो पहले अर्ज़ किया है कि मुझे इन कोटों से इंसाफ की तवक्का नहीं है, तो हम पाकिस्तानी होते हुए ये हमारे लिए बायस शर्म की बात है कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए देखने को तरस रही है, बात करने को तरस रही है, इंसाफ के लिए तरस रही है, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। उसके ये जज्बात हैं कि वो कोर्टों से भी मायूस हो चुकी हैं, अदालतों से, पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम से मायूस हो चुकी हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से, अपनी मसीही कौम से गुजारिश है कि इस माँ की, इस बाप की फरियाद सुने और अपने जिस तरह हम उस बेटी के लिए निकले हैं, इनकी बच्ची के लिए, वो हमारी बच्ची है, इस कौम की बेटी है, उसके लिए निकलें, आवाज़ उठाएँ और उसकी बाजियाबी में आप इनके वालदैन का साथ दें। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.